ये ब्लॉग थोड़ा अलग है क्योंकि ये ब्लॉग है हमारे रचयिता के बारे में। तो मेरे सफ़र की शुरुआत होती है गोरखपुर हवाई अड्डे से। अंदर जाके मैं पहले अपना बोर्डिंग कराता हूँ। गोरखपुर एयरपोर्ट पे फ़ोटो वीडियो लेना मना है क्योंकि वह सैनिक हवाई अड्डा है, इसलिए मैंने फ्लाइट के अंदर वीडियो लिया। फिर मेरी फ़्लाइट टेक ऑफ करती है। मौसम और बादलों ने मेरे सफ़र को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना दिया, और इस खूबसूरत सफ़र में इंडिगो से मिली हुई चाय ने जैसे मेरा दिन ही बना दिया हो। फिर 1 घंटा 40 मिनट के सफ़र के बाद मेरी फ़्लाइट हैदराबाद लैंड करती है। फिर हैदराबाद एयरपोर्ट पहुंचने के बाद मैं अपने प्रीमियम एक्सेस लॉन्च के लिए निकल जाता हूं। फिर मैं पहुंचता हूं इनक्लेव लॉन्च, जो कि हैदराबाद एयरपोर्ट का वन ऑफ द बेस्ट लॉन्च है, जहां मैं 2 रुपये में अनलिमिटेड स्नैक्स और फूड्स खाता हूं, जो कि बैंक अपने प्रीमियम कस्टमर्स को देता है। फूड्स में इतने सारे डिशेस थे, मैंने पेट भर के खाया, और जिसमें चावल, बड़ा, पनीर, मिक्स वेज, रायता, मसाला डोसा, बहुत सारे आइटम्स थे, जिसमें पहले मैंने बहुत सारे स्नैक्स लिए, बाद में खाया ये और ये। हैदराबाद से मेरी फ़्लाइट टेक ऑफ करी कोयम्बटूर तमिलनाडु के लिए। लगभग 1 घंटे के सफ़र के बाद मैं पहुंचा कोयम्बटूर। कोयम्बटूर एयरपोर्ट प्रकृति की सुंदरता को दर्शा रहा था। कोयम्बटूर एयरपोर्ट फ़्लाइट लैंड करने से पहले वहाँ बारिश हुई थी, जिससे मौसम काफ़ी प्यारा हो चुका था, और एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही मुझे मेरी मंजिल दिखाई दे रही थी। कोयम्बटूर सिटी से आधी भी 40 किलोमीटर थी, इसलिए मैंने होटल लिया ताकि सुबह निकल सकूँ। वहाँ मैंने केले के पत्ते पे मसाला डोसा खाया, जो साउथ इंडिया का ट्रेडिशन है। सुबह रेडी होकर मैं रैपिडो बाइक हायर करा और मैं गांधीपुरम बस स्टॉप निकल गया, जहाँ से 14C और 14D बस डायरेक्ट आदियोगी के लिए जाती है। लैंग्वेज बैरियर के साथ ये जर्नी मेरे लिए काफ़ी टफ था, लेकिन चाहे कोई भी सफ़र मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान बना देता है। ये भाई साहब ने मेरे ऊपर ट्रॉली रख दी अपनी, और ये तमिल वाले चाचा को मैं क्या ही बोलूँ, इन्हें ना हिंदी समझ में आ रही थी ना इंग्लिश, लेकिन ये फिर भी बोले ही जा रहे थे और मैं हंस के टाल दे रहा था। लेकिन सारी चीज़ों से अलग, सिटी से आती होगी जाते टाइम ये रास्ते में दिखते हुए सुंदर नारियल और केले के पेड़ों ने सफ़र को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना दिया। लगभग 1 घंटे के बस जर्नी के बाद मैं ईशा फाउंडेशन आदियोगी प्रतिमा के पास पहुंच गया। मेन गेट से आदियोगी प्रतिमा के पास जाने के लिए मुझे 2 किलोमीटर पैदल चलने थे, इसलिए सबसे पहले मैंने अपनी प्यास बुझाई, और लगभग 2500 किलोमीटर सफ़र करने के बाद मुझे फाइनली वो प्रतिमा दिखाई दी। जटाधरा शिव जटाधरा हर हर भोले नमः शिवाय। और फिर मैं बैलगाड़ी से सदगुरु आश्रम गया, जो आदियोगी प्रतिमा से 1 किलोमीटर पीछे था, और वहां मैं सदगुरु आश्रम पहुंचा, जहां शिव जी की बहुत प्यारी प्रतिमा लगी हुई थी, और ये आश्रम का मेन एंट्रेंस था, जहां मेरे मोबाइल और बैग जमा हो गए। आश्रम के अंदर 2 कुंड बने हुए थे, सूर्य कुंड और चंद्र कुंड, जिसमें स्नान करने के बाद ही ध्यानलिंगम और लिंग भैरवी के दर्शन किए जा सकते थे। ध्यानलिंगम ज्योतिर्लिंग में स्नान करने के पश्चात 15 से 20 मिनट तक ध्यान लगाने को मिलता है। उसके बाद लिंग भैरवी के दर्शन करके और स्तुति करके मैं प्रसाद लेकर वहां से निकल गया। लिंग भैरवी और ध्यानलिंगम के दर्शन करने के बाद मैं आदियोगी के दिव्य दर्शन के लिए निकल पड़ा। मैं 7:00 बजे तक रुका क्योंकि 7:00 बजे 14 मिनट का दिव्य दर्शन होता है, जो कि दिव्य दर्शन देखने के बाद जैसे मानो मेरी आत्मा ही तृप्त हो गई। आदियोगी की प्रतिमा के साथ फ़ोटो लेने के बाद मैं वापस कोयम्बटूर सिटी के लिए निकल गया। वहाँ मेरी मुलाकात इन भैया से हुई, जो कि हिंदी बोलने वाले थे, जिससे हम दोनों का सफ़र काफ़ी आसान हुआ। भूख तो जोरों की लगे हुए थे, इसलिए सिटी पहुंचकर उनके होटल में हमने डिनर लिया और अपना पेट भरा। सुबह मैं रेडी हुआ और निकल गया टेम्पल के लिए। मरुदा मलाई मुर्गन टेम्पल उस पहाड़ी पे था, जहाँ पहुँचना हमारे लिए काफ़ी टफ था। ये टेम्पल का एंट्रेंस था, और ये खाते हुए टेम्पल के 500 सीढ़ियों की चढ़ाई शुरू कर गए। स्टार्टिंग में तो काफ़ी खुश थे, बट इतने गर्मी में नंगे पाँव जब हमारे पैर जलने लगे सीढ़ियों पे, तब भी हमारी हालत स्वेटिंग से और जलते पाँव से इतनी बुरी हो चुकी थी, लेकिन मन में था कि यहाँ तक आ गया है तो वहाँ तक पहुँचना है कैसे भी। काफ़ी मुश्किलों के बाद हम मरुदा मलाई मुर्गन टेम्पल पहुँच ही गए। Thank you.
दर्शन करने के बाद हम दोनों वहाँ से निकल गए। भैया पहले अपने होटल रूम गए और 3 बजे मेरी ट्रेन थी, इसलिए मैं कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन चल पड़ा। इम्फाल से कोयम्बटूर जंक्शन 14 किलोमीटर था, लेकिन ट्रैफिक की वजह से 1 घंटे लग गए। फाइनली मैं ट्रेन में बैठ गया और मेरी ट्रेन चल पड़ी। ये सफ़र मेरे लिए काफ़ी लंबा होने वाला था, क्योंकि मुझे टोटल 48 आवर्स की जर्नी करनी थी और ये ट्रेन 5 राज्यों से होकर यूपी में आती और मेरे शहर तक आती। खाते पीते मैंने अपना ये सफ़र पूरा किया। वापस में मैंने ट्रेन इसलिए किया था क्योंकि मुझे सफ़र का लुत्फ़ उठाना था। कई सारे लोगों ने मेरे से बोला कि तुम 3000 किलोमीटर इतनी दूर लैंग्वेज बैरियर के साथ जा रहे हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। लेकिन मेरे मन में बार बार सिर्फ एक ही बात आ रही थी कि सिर्फ संभाल लेंगे। और इसी के साथ मैंने अपनी जर्नी पूरी की और आप लोगों से शेयर किया।